ऐसा मत करो कि भाई तुम्हारा फन किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए। सामने से कोई गाड़ी आ गई ना तेज स्पीड से क्या ही बोलूं भाई भाई ये लैंडस्लाइड है वो ये यहाँ पे रोड पे, या ये मुझे पाकिस्तान की चाल लग रही है भाई इसमें कुछ भाई ऐसे रास्ते में पत्थर कौन डालता भाई। भाई सही जा रहे हैं क्या? हम देख ले भाई साहब, थोड़ी देर बाद पता चले यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा है और हम पीओके में एंट्री कर चुके हैं भाई। तो आपने तो 71 वाला बोला जी, उस टाइम मेरा 10-11 साल का उम्र था सर। अरे वाह, तो हमने सुना कि इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है। पहले से थांग में थे, ये हमारा गांव यही है। तो पहले ये पाकिस्तान में आता था, इंडिया में आता? पाकिस्तान में था ना ये चार गांव। अच्छा, वो लोग यहाँ पहुंचे तो हमारे आदमी सब घरों में बैठे हुए थे, डरे हुए थे कि अब इंडिया का फौज आएगा, मारेगा। अच्छा, क्या करेगा। जी गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, एंड फाइनली भाई अब यहाँ से जो है थोड़ा लेट हो गया हमारा डे 3 कल, बिकॉज घूम घाम के आए थे रात लेट, बहुत थक गए थे भाई। अब जाके भाई 2 दिन के बाद जाके अब जाके वो जो है ना सेटलमेंट एक्लेमेटाइजेशन वाला जो सीन है ना, बॉडी अब लग रहा है कि यहाँ 2 दिन बाद जाके ना भाई बॉडी अब थोड़ी सी जो है फाइनली जो है अब यूज टू हुई है। और सो भाई अभी निकल रहे हैं, टाइम हो गया भाई 9:44 हो गई है। और अभी भाई हम जो जा रहे हैं वो प्लान है, अभी डायरेक्ट हमारा प्लान है खारदुंगला पास होके नूबरा वैली होके तुरतुक बॉर्डर जाने का, जो थांग विलेज है भाई। होपफुली अभी 10 बजे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे शाम को, एंड देखते हैं वहीं पे पहुँच के जो है अपना पूरा स्टे वगैरह का प्रोग्राम वहीं पे करेंगे आज शाम को। तो थांग विलेज जो है वो भाई देखना है, बिकॉज वो इंडिया का लास्ट विलेज है पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखना बनता भी है, पाकिस्तान को देखना ज़रूरी है भाई, बॉर्डर पे कैसे लोग रहते हैं क्या करते हैं। और भाई देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है पेट्रोल डीजल फ्यूल जो भी आप डलवाना चाहते हो अपनी गाड़ी में, बिकॉज लेह के बाद में सिर्फ आपको जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन मिलेगा वो सिर्फ नूबरा वैली में है, और नूबरा वैली के बाद वापस या तो आपको ले आना पड़ेगा, अदरवाइज आप पेंगोंग लेक की तरफ जाएंगे या फिर हानले की तरफ जाएंगे या फिर उधर उमलिंगा पास की तरफ जाएंगे या फिर आप सो मुरारी की तरफ जाएंगे, कहीं पर भी आपको पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा। बाकी भाई देखो बीच बीच में ऐसे पैच आ रहे हैं, 2-4 बार आ चुके हैं कि या तो जहाँ पे कि लैंडस्लाइड हुई है और ब्रो की टीम वहाँ पे भाई काम कर रही है लैंडस्लाइडिंग हटाने के लिए, और ये देखो इधर या तो लैंडस्लाइड है या फिर ये यहाँ पे जो है उसको पहाड़ को काट रहे हैं विद द मशीन, पहाड़ तोड़ रहे हैं ताकि और चौड़ा कर सके रोड को और थोड़ा यहाँ पे जो है चौड़ी रोड बना सके। तो अच्छी बात है भाई, बिकॉज इस मामले में ब्रो एक्सपर्ट है भाई, एंड ब्रो को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट, दे हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं भाई। भाई गाड़ियाँ खड़ी हैं पर बहुत सारी, मुझे लग रहा है तो लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है, उसको हटा रहे हैं, 20-25 गाड़ियाँ खड़ी हैं ऊपर भाई, देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बहुत सारी, आई थिंक वो देखो भाई जेसीबी मशीन दिख रही है, ये सारे वो टूरिस्ट हैं जो कि फ्लाइट से आए हैं, और फ्लाइट से आने के बाद में ले से जो कैब बुक करके और पूरा जो है घूमने जाए। और जो लोग कहते हैं भाई कि सेप्टेम्बर इज नॉट अ पीक सीजन फॉर दिस ले लद्दाख, तो उसको बता दूं भाई मेरे पीछे देख लो कितनी गाड़ियाँ खड़ी, कम से कम 20 गाड़ियाँ मेरे पीछे खड़ी है, और इस तरफ देख लो भाई कम से कम 20-30 गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी है, और सारे टूरिस्ट हैं भाई। हालांकि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द पीपल आर कमिंग थ्रू फ्लाइट, तो अपनी गाड़ी से आने वाले बहुत ही कम है भाई, हम जैसे लोग हैं 2-4 लोग हमें बस मिले हैं, पूरे रास्ते में कोई नहीं मिला, सारी JK नंबर LA नंबर तो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, देन उसके बाद कैब करके और पूरा लद्दाख जो भी घूमना है घूम रहे हैं। तो जो लोग सितंबर में वीडियो देख रहे हैं तो भाई प्लान कर सकते हो अपना विजिट, बहुत ही अच्छा मौसम है, पीछे देखो कोई बादल नहीं है कुछ। तो भाई ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ऊपर देख के तो भाई ये खारदुंगला जो है पास आ गया है, बाकी टर्न लेने के बाद पता चलेगा। बाकी सामने देखो भाई ग्लेशियर, yep I'm right, so guys finally we are at खारदुंगला टॉप, एल्टीट्यूड आप देख लो भाई कितना है, 17,982 ऑलमोस्ट 18,000 है भाई, और ये है ऊपर अगर आपको जाना है तो, और बाकी वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हैं, एक बार चलते हैं एक बार आगे घूम के आते हैं। सो भाई कौन कह रहा है यहाँ पे भाई अभी घूमने का माहौल नहीं है, मेला लगा हुआ है भाई यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है और गांव वाँव में हम किसी मेले में घूमने आए हुए हैं भाई। और वो जो बोर्ड है ना भाई जहाँ पे फ़ोटो को लोग खिंचवाते हैं खारदुंगला टॉप, वहाँ पे तो आपको भाई जगह ही नहीं मिलेगी। ये है भाई खारदुंगला टॉप से व्यू पीछे, और ये देखो
ग्लेशियर भाई कैसे जो है पिघल पिघल के आ रहा है ऊपर से। सो ऊपर से बैठ के फिसल के आने में कितना मजा आएगा, वहाँ से बैठो और यहाँ तक फिसलते हुए आओ, कितना सही है ना भाई। सांसें आ रही हैं, ठीक ठाक आ रही हैं, दिमाग में कुछ हिट हो रहा है, टक टक हिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो किस मिट्टी के बने हुए तुम? चलो भाई पहले दिल ने सांस फूल रही है, इसको भाई को सांस भी आ रही है, इसको दिमाग में भी कुछ नहीं हो रहा। आजा भाई बॉडी मत दिखा, मेरे तो भाई दिमाग में भी ना ऐसे टक 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 बज रहा है, हथौड़े मार रहा है कोई टक टक टक। और टाइम 11:48 भाई, फटाफट मैं 15 मिनट से आते रुकूंगा, आ जा जल्दी 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 भाई, 15 मिनट से ज़्यादा रुकना, आप रुको, अगर आपके लंग्स आपको इजाज़त देते हैं भाई, मेरे नहीं देते, 15 मिनट से ज़्यादा रुकना भाई बेवकूफ़ी है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। कुछ लोग भाई यहाँ पे सुट्टा फूंक रहे हैं पर इतने ऊपर आने के बाद भी, तो सोचो उनके लंग्स भाई कितने तगड़े होंगे। अभी हो सकता है ये रहो भाई, कहाँ गए ये इनोवा के आ गया, मैं तुझे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसे दिखा रहा हूँ, वो तेरे पीछे भाई जो है ये देखो उसे दिखा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ सांस नहीं आ रही। कुछ लोगों के लंग्स ऐसे हैं भाई वो सूटा फूंक रहे हैं इतने ऊपर आके, तो मैंने भाई अगर आपके लंग्स इजाज़त देते हैं सूटा फूंकने का और आपके लंग्स इतने पावरफुल हैं तो भाई ज़रूर करो, बट अगर आप फॉलो करो मेरी वीडियोज़ तो भाई 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा रुकोगे ना तो ये हीरोगिरी अभी तो नहीं कुछ होगा, बट थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आपने थोड़ी सी गलती करी है। और बच्चों के साथ आ रहे हो तो भाई जल्दी हो सके निकल जाओ, अदरवाइज तो क्या है कि इधर आप देखो कि प्रॉपर कैफेज़ हैं आर्मी के, वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो इधर आप आर्मी के उसमें चले जाओ, 2-4 ऑक्सीजन के पफ लेके आ जाओ, मतलब ऐसे पफ नहीं ये वाले पफ, मैंने इशारा गलत कर दिया, तो 2-4 आप पफ लेके आ सकते हो आर्मी के अंदर जाके, तो व्हेन यू फील बेटर देन गो फॉरवर्ड, ठीक है। स्कॉर्पियो टैक्सी में, स्कॉर्पियो एन टैक्सी में भाई कोई गाड़ी उन्होंने छोड़ी है जो टैक्सी में ना चल रही है लद्दाख में। तो स्कॉर्पियो है टो करके ले जा रहा भाई, क्या हो गया ऐसे, पहुंच गए हुंडर और यहाँ पे आप देख लो सैंड ड्यून्स भाई, पूरा इसको देख के ना आपको राजस्थान की याद आ जाएगी। और ये देखो, और यहाँ पे सिर्फ हुंडर में भाई एक ही स्पॉट है खाली, वो है वो जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे कि डबल हम्प कैमल्स होते हैं, और वहाँ पे आपको भाई कैमल राइड कराते हैं, वो जो भी चार्जेस लेते हैं वो कैमल राइड है वहाँ पे, वो जो आपको वहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही होगी खड़ी हुई, लास्ट टाइम हम जब गए थे तो हम वहीं तक आए थे, हम इसके आगे नहीं गए थे। और आज इस बार जो हमारा आने का पर्पस है दैट इज़ ओनली टू विजिट तुरतुक, हमें विजिट करना है, और हम ना तो सैंड ड्यून्स में जाने वाले हैं और ना ही भाई कुछ कैमल राइड करने वाले, बट आपको अगर हुंडर तक आना है तो यही बस लास्ट है भाई, उसके अलावा वहाँ पे होम स्टे वगैरह है, होम स्टे वगैरह पे आप रुक सकते हो, अपना कैंपिंग आपको कहीं भी सेटअप करना आप कहीं भी कर लो, बहुत सारी जगह आपके पास में पड़ी हुई है। दीक्षित में ऐसा कुछ नहीं था, दीक्षित में खाली जो रिवर साइड में आपको कैंपिंग मिलेंगे, जो रिवर पे एकदम रिवर की तरफ आप जाओगे तो रिवर फेसिंग कैंप्स है वहाँ पे, टेंट हैं कैंप्स हैं, आप उनमें नाइट स्पेंड करो, रात में जो है ऊपर आसमान खुला आसमान वहाँ पे जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वहाँ पे बस कैंप्स है उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे भाई ये सैंड ड्यून्स है इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नुब्रा वैली का ये वाला पार्ट है मेरे को वर्थ नहीं लगता, ना तो हुंडर ना दीक्षित ना सैंड ड्यून्स वाला पार्ट ना ही कैंपिंग वाला पार्ट। तुरतुक यहाँ से 2 घंटा का ड्राइव हो रहा है, तो आप सीधा गाड़ी रुकेंगे तुरतुक में पहुँच के यहाँ पे कुछ खाने पीने के बाद, और हमारे ड्राइवर जो है मनीष भाई सिर्फ चला के ला रहे हैं पूरी गाड़ी, मेरे को भाई मैं सिर्फ आराम करता आ रहा हूँ, और मेरे को आराम की इतनी आदत होगी पता नहीं मेरे को चलाने को मिलेगी मैं चला ना पाऊँ, पता चले मैं क्या बोलते हैं पहाड़ देख के मोड़ देख के सामने गाड़ियाँ देख के मैं नर्वस ना हो जाऊँ भाई। चला भाई तू चलाएगा मैं चलाऊँ? आज तू चला आराम कर ले, बहुत देर हो गई तू चलाते हुए, कितना किलोमीटर आ गया उसमें देखना चाबी ऑन करके, एक बार जीरो किया था हमने 125 आ गए ना, तो हम ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर आ गए हैं, और अभी हमारा दिखा रहा कितना, टोटल 1510 हो गया, 1510 तो हमारा मेरठ से हो गया ना, सो भाई 1510 हम आ चुके हैं मेरठ से अब तक,
और 125 किलोमीटर आगे हम ले से और अभी हमारा 90 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। चलो भाई ड्राइवर चेंज, नाउ आई विल टेस्ट माय ड्राइविंग स्किल्स। भाई तुरतुक का जो रास्ता है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही शांत मेरे को लग रहा है। शायद बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट वगैरह इधर जाते नहीं हैं और बिल्कुल शांत शांत से ही लग रहा है। और आर्मी की भाई अच्छी खासी जो है चेक पॉइंट यहाँ पे है बीच बीच में, सो दैट देखो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है इस रूट पे, हल्का हल्का शांति है। बाकी एक बार ऊपर पहुंच के पता चलेगा तुरतुक पहुंच के कि भाई वहाँ पे कितने लोग हैं जो पहुँचे हुए हैं और कितने वहाँ पे ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं। सो भाई देखो जब से लेह से निकले तो पहले टाइम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक देखो कहाँ ले रहे हैं, लोकेशन देखो भाई, मनीष ने ढूंढी है लोकेशन, एक छोटा सा मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप से है भाई यहाँ पे। वैसे तो सिर्फ ऑमलेट मैगी ही है इनके पास और चाय कॉफी। ये है भाई अराउंड हुंडर से 15 किलोमीटर आगे आए हम, उसके बाद पड़ा है। आप समझ जाना भाई, जैसे ही आपको ये वाला ब्रिज दिखेगा ना तो ये बढ़िया सी लोकेशन पे ब्रिज आएगा और ब्रिज के साथ ही जो है ये वाला छोटा सा बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। और लोकेशन देखो क्या प्यारी है भाई, वाओ भाई मजा आता है घूमने का, जो आनंद होता है ना भाई वो दुगना हो जाता है जब ऐसी लोकेशन मिलती है। भाई जिंदगी का असली मजा तो ये लौंडे ले रहे हैं, देखो स्कॉर्पियो का मजा और ऊपर से बाहर लटक रहे हैं दोनों, चाह क्या रहे हैं भाई ये नहीं पता। मैं नदी में कूदना चाह रहे हैं, छत पे जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं भाई ये, बट जो भी है भाई ठीक है भाई, फन करो बट ऐसा मत करो कि भाई तुम्हारा फन किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। सामने से कोई गाड़ी आ गई ना तेज स्पीड से क्या ही बोलूँ भाई बेटा लौंडे हाई कर रहे हैं ओ भाई पहाड़ देख रहे हैं ऊपर, व्हाट अ रोड मैन। ये पहला पैच भाई ऐसा आया है तुरतुकी रोड का जो कि रफ आया है। इससे पहले भाई अब तक हम जितने भी किलोमीटर आए हैं 30-35 किलोमीटर एक सिंगल गड्ढा तक नहीं था रोड पे, और ये भी भाई चौड़ा कर रहे हैं इसको, कुछ ना कुछ बना रहे हैं भाई इसका। वाओ यार ग्रेट, यार ग्रेट मजा आ गया, अच्छा व्यू था भाई। और देखो दोबारा से वो पार हुआ और दोबारा से सेम वही अच्छी वाली रोड आ गई है। सो पूरी सेम भाई अब तक की पूरे रास्ते की सारी रोड ऐसी ही आई है, कहीं पे भी कोई एक गड्ढा तक नहीं था, वो छोटा सा जो पीछे पैच आया वो ही बस थोड़ा सा तक रहा। ये देख कैसे, देख उधर सामने देख कैसे बनाया है फाइबर, कितने बड़े बड़े वो करके ना उसमें सेट किए हुए हैं। ओहो भाई पूरा म्यूजिक ही बजा दिया फ्लाईओवर ने तो, खड़खड़ खड़खड़ बोर हो रहे थे बहुत देर से ना, तो म्यूजिक वी आर मिसिंग द म्यूजिक। तो जो पुल था भाई पीछे वो भी बिल्कुल नदी के साथ ही आ गए यार हम तो। ओ बाबा ये देखो थोड़ा यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो जाएगी गाड़ी की, ये पक्का गाड़ी हिलेगी देखना देखा फील किया था ना क्या मजा आया। भाई फाइनली जो है हमने अभी तुरतुक को तो पार कर दिया भाई, तुरतुक में हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। और अभी यहाँ से थांग जो है 7.5 किलोमीटर बचा है, तो मनीष भाई करके आ गए एंट्री। क्या करके एंट्री में क्या पूछा? तो कुछ नहीं, गाड़ी का नंबर कितने लोग हैं वो सब चीज़ें। अच्छा वहाँ से आ रहे हैं फिलहाल, चले से कल ले तो भाई हमारी आर्मी जो है तैनात खड़ी हुई है वहाँ पे, तो हमने सलूट मारा तो दे रिस्पॉन्डेड टू आर सलूट।
और यहाँ पे अच्छा खासा आर्मी का डिप्लॉयमेंट है भाई। और ये देखो हिंदुस्तान का झंडा, भारत माता की जय। और हम अपने लास्ट विलेज पे जा रहे हैं भाई हमारे देश के, तो हमारे अंदर देशभक्ति जो है जागने लगी है। और कोई विलेज भी दिखता है। मनीष बोला था कि मुझे भाई फौजी जो है गन दे दें तो मैं दो चार पाकिस्तानी फोड़ा दूंगा। मैंने कहा भाई ये हर हिंदुस्तानी के जो है दिल और दिमाग में भाई इस तरह के जो है ख्याल आते हैं, बट उस काम के लिए भाई हमारी इंडियन आर्मी बहुत है। तुम्हारी जरूरत जब पड़ेगी ना तब तुमसे पूछ लिया जाएगा। तो अभी दे आर कैपेबल इनफ टू हैंडल द थिंग सिचुएशन। और एक भाई को भी हमने लिफ्ट दी थी भाई पीछे, तो वो बता रहे थे कि तुरतुक से पहले एक ब्रिज था, बहुत ही बड़ा ब्रिज जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था भाई, तो बोल रहे थे कि वहां तक 71 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसके ऊपर। और फिर 71 की लड़ाई में जो था वो हमने उसको भाई खाली कराया और दोबारा तुरतुक तक जो है हम पहुंचे हैं अपना। तो और तब से लेके अब तक भाई वो हमारा ही जो है पॉइंट है। तो अब तुरतुक तो पार कर ही लिया भाई हमने, अब थांग विलेज बचा भाई 6 किलोमीटर के आसपास। इससे पहले रात हो जाए हमें डर है कि भाई रात ना हो जाए। 5:25 हुई है अभी, तो 15-20 मिनट का रास्ता और दिखा रहा है। तो एटलीस्ट भाई दिन दिन में दर्शन हो जाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गाँव के लोगों से मिल लेंगे और वहाँ से पाकिस्तान का भी गाँव भी दिखता है, उसको भी देख लेते हैं भाई। बाकी लैंडस्केप तो देख लो भाई, मज़ा ही आ गया कसम से यार। थांग विलेज 6 किलोमीटर, वाओ यार। क्या ये स्कूल आर्मी गुडविल स्कूल यार, बहुत बढ़िया। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। तो भाई यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन भाई आर्मी प्रोवाइड करा रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। और साथ में जो शायोक रिवर अब तक हमारे साथ साथ भाई चल रही है, जो कि पेंगोंग से जब आप आगे आएंगे ना डरबक से आई थिंक स्टार्ट हो जाती है शायोक रिवर, और ये पाकिस्तान में भी जा रही है भाई। ये पूरा जो है थांग विलेज को भी पार करके पाकिस्तान तक जा रही है ये वाली रिवर। तो भाई एक बार पहुंच जाए वहां पे भी नज़ारे देखते हैं भाई क्या होने वाले हैं। बट उससे पहले तो भाई चेक पोस्ट मेरे को बहुत सारे लग रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि बट जैसी हमारी गाड़ी के नंबर देख रहे हैं ना भाई UP 15 बाहर से आए तो समझ जाते होंगे टूरिस्ट है भाई, बाहर से घूमने आए हैं। तो हंस के मुस्कुरा के भाई छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चेकिंग वैकिंग भाई अब तक कहीं पे नहीं हुई है, हालांकि हमारी गाड़ी में सामान ऐसा भरा हुआ है ना भाई, बोरियों की तरह भरा हुआ है पूरा एकदम भाई। ये लैंडस्लाइड है वो ये यहाँ पे रोड पे, या ये मुझे पाकिस्तान की चाल लग रही है भाई इसमें कुछ। भाई ऐसे रास्ते में पत्थर कौन डालता भाई, वो शिट भाई फटाफट निकाल। भाई सही जा रहे हैं कि हम देख ले भाई, थोड़ी देर बाद पता चले पाकिस्तान का झंडा लगा है और हम POK में एंट्री कर चुके हैं भाई। इस कुत्ते से पूछना किसका इंडियन का है पाकिस्तान का है, पूछ एक बार जरा पूछ ले भाई, ये भूल ही नहीं रहा भाई। वो बंकर पे कुछ लिखा हुआ है पढ़ना।